आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आप सबको पता है जिस तरीके से नर्स इस विकराल परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरीके से अपने काम को कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नर्स को हम तहे दिल से सलाम करें, हम उसका शुक्रिया अदा करें और हम उसका शुभकामनाएं व्यक्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं MDP लाइव न्यूज, आपके साथ मैं मोहम्मद मिराज आलम। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें पर। मधेपुरा आयरा के जिला उपाध्यक्ष बने शंकर कुमार, बधाई देने वालों की लगी ताता। लॉकडाउन के बीच मोतिहारी में देखी गई अनोखी शादी, बुलेट से आए दुल्हे राजा व बुलेट से ही गई दुल्हनिया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए मंदिर में हुई शादी। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 गाड़ी समेत भारी मात्रा में शराब किया जब्त, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना आंकड़ा, पहुंचा 767। लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी को कहा बिहार के मई के अंत तक बढ़ाया जाए। मधेपुरा के कुमारखंड में बैंकों एवं CSP केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। सीएम नीतीश कुमार बोले, घर लौटने के इच्छुक बिहारी प्रवासियों को 7 दिनों में वापस लाएंगे। आज 21 ट्रेनें से 25,000 लोग आएंगे बिहार, सीएम नीतीश कुमार बोले, रैंडम नहीं आने वाले अधिक से अधिक लोगों की कराई कोरोना जांच। गया में हथियार साफ करने के दौरान SSP जवान को लगी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार के लिए अच्छी खबर, सारण जिला हुआ कोरोना मुक्त, जिले में एक भी एक्टिव केस नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने दिया बड़ा आदेश, बिहार में अब अनुमंडल स्तर पर भी बनेंगे आइसोलेशन सेंटर। सुविधाओं की कमी को लेकर बिहार में विभिन्न जिलों में बने क्वारंटाइन सेंटरों में लोग कर रहे हंगामा। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऑफिस खोलने के लिए आदेश, सोशल डिस्टेंस का होगा पालन। रेलवे ने जारी किया लॉकडाउन स्पेशल ट्रेन शेड्यूल, कल से बिहार होकर गुजरेगी ट्रेन प्रदेश में पटना और बरौनी समेत बनाई गई 6 स्टॉपेज। 47 दिन बाद दुल्हन को पटना से लेकर कोलकाता लौटा दुल्हा, जिस दिन बारात की विदाई होनी थी उसी दिन लागू हो गया लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में फंसे बिहार के लोगों की वापसी के लिए दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। पटना के लिए अभी चलेगी सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस, नहीं मिलेंगी किराए में कोई छूट, तत्काल टिकट की बुकिंग भी नहीं। बिहार में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 90 भर्तियां के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, लिंक हुआ एक्टिव। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गठित की स्पेशल टीम, पुलिस के जवानों से पूछे जाएंगे कई अहम सवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना में शामिल कोसी क्षेत्र की अहम सुपौल अररिया रेल लाइन पर जल्द शुरू होगा काम। बिहार के सहरसा में राशन कार्ड धारियों को चावल के साथ मिलेंगे दाल। बिहार मिलिट्री पुलिस पर कोरोना अटैक, 12 नए मामले सहित कुल केस हुआ 767। WHO ने बताया जल्द मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, 8 टीमें पहुंची बेहद करीब। बेगूसराय में कोरोना मरीज की संख्या हुई 40, 8 मरीज हुए स्वस्थ। पीएम मोदी आज रात राष्ट्र के नाम संबोधन, लॉकडाउन बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला। आप देख रहे हैं MDP लाइव न्यूज, लगातार वो सारी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप हमारे खबर को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा सारा खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।